एवरीवन, सुरविंद चावला की ब्रिंग इन बोधे पार्टी में आप सबका स्वागत है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। What's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. And today we are at Surveen's house because it's a birthday. So यहाँ पे सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं and थोड़ा सा गाने बजाने का प्रोग्राम है, थोड़ी सी झलकियाँ पहले सुन लेते हैं। और जब गंगा बह ही रही थी तो हम कैसे पीछे हट जाते, हम कैसे हाथ नहीं धोते, तो बहती गंगा में हमने भी अपनी आवाज़ से थोड़े हाथ धो डाले। और हमारे इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग गाने न सिर्फ सुनने के शौकीन हैं, सब अच्छा गाना गाते भी हैं, चाहे वो सुरविंद चावला हो, चाहे वो कीर्ति केलकर हो, चाहे वो शरद केलकर हो, थोड़ा बहुत मैं भी, फैजल हो, रिजवान हो, वी ऑल आर गुड सिंगर्स। एंड मौके पे चौका मारना हम सब की आदत है। एंड यू कैन सी नाउ, बिकॉज ये जो व्लॉग है ना, ये कम्प्लीटली म्यूजिकल होने वाला है, इसमें ज़्यादा बातें करने की गुंजाइश ही नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव, पार्टी दिन में 1 बजे शुरू हुई थी और एक्चुअली शाम को 5 बजे ख़त्म हो जानी थी, लेकिन सुरूर कुछ ऐसा चढ़ा कि एक बैंड 4-5 बजे निकल गया तो हम लोगों ने दूसरा बैंड मंगवाया और पार्टी चली रात को 1 बजे तक। एक दिन में 2 बैंड, इतना लंबा ब्रिंग इन पार्टी कभी सुना है? हमने विटनेस किया अमेजिंग बर्थडे इवनिंग, ब्रिंग इन बर्थडे इवनिंग ऑफ सुरविंद चावला। और यहाँ पे एंट्री हुई रूबीना दिलेक द पहाड़न और अभिनव आर पर्वतारोही। ईवो भी बहुत अच्छा गाती है लेकिन आज शायद वो अपने एलिमेंट में नहीं थी। खतरों से भरे खतरों के खिलाड़ी के बाद ये रूबीना के साथ एटलीस्ट मेरी पहली मुलाकात थी, बाकी सबसे भी ठीक से अभी मिल पाई है। फजलू को कोई समझाओ, समझाओ इसे, आज बातें करने का नहीं गाने का दिन है। और फाइनली मैगी हैज ऑल्सो कम, शी वॉज बिजी विद द मीटिंग्स एट गोडाउन एंड फाइनली हियर एंड नाउ टाइम टू कट द केक। और एक बार फिर से फैजल ने कमान संभाली है, कुछ ना कुछ गा जाने की ठानी है, देखते हैं क्या गाते हैं। अरे ला 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 ला। और फैजल मियां ने एक बार फिर से सेम डायलॉग का रिपीट टेलीकास्ट किया। संध्या की शुरुआत हो चुकी है और फजलू के इस बैंड का हिस्सा बने शरद केलकर भी, और उन्होंने कमाल संभाली है।
वी गा क्या रहे और जो लोग गानों से बोर हो चुके थे उन्होंने कुछ ज़रूरी और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हुए बालकनी को अपना अड्डा बनाया. यू कैन सी ऑल सीरियस फेसेस टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियस टॉपिक. और जहां सब अपनी आवाज़ के हुनर को पेश कर रहे थे वहीं पे गज़ाला जो कि डांस में बहुत अच्छी हैं उन्होंने थोड़ा सा अपना जलवा भी बिखेरा. And I was running away from Rubina because she wanted to dance. और अपने को रुबीना जैसे डांस तो definitely नहीं आता है. So I was running away. Your favorite song? Not this. अरे which one? अरे that would appeal to the public. I got weird taste. Actually not weird, unique. Bollywood, Hollywood. Oh, music has no boundary, religion. इस बार तो कॉपीराइट आना ही आना क्योंकि सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं और बॉलीवुड सॉन्ग्स के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डांस हो रहा है, नथिंग एल्स इज हैपनिंग. सो आई हैव नो द चॉइस बट टू पुट व्हाटएवर वीडियो ऑन टू दी लाइन. आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि मुझे मैगी के डांस को अप्रिशिएट करना चाहिए या उस फिजियो को जिसने मैगी की नी को घुटने को इस लायक बनाया कि शी इज़ एबल टू डांस वेल. जो भी है अच्छी बात यह है कि वो एक जगह पे बैठी नहीं है, शी इज़ डांसिंग, दैट्स अ गुड साइन. और ये है म्यूज़िक का रियल नशा. जब म्यूज़िक अच्छा लगे, आपका मूड अच्छा हो, देन यू कैन डांस द वे सुरवीन इज डांसिंग राइट नाउ. एज आई सेड, सब एक से बढ़कर एक हैं.
कोई डांस अच्छा करता, कोई गाता अच्छा है, कोई डांस भी अच्छा करता, गाने भी अच्छे गाता है, लाइक सुरभि। और जैसे ही अंग्रेजी गानों का सिलसिला शुरू हुआ, हमारे दो अंग्रेज एकदम से स्टेज पर आ गए, मनोज और विशा। यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन देयर फेसेस, हाउ हैप्पी दे आर। और इतना डांस करने के बाद पेट में चूहे तो कूदेंगे, सो हियर कम्स चाइनीज फूड। अब गेस करने की जरूरत नहीं कि क्या है, वेज फ्राइड राइस एंड मंचूरियन ग्रेवी। मेरे 10 रुपए के नोट घूम रहे हैं।
इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कैसे बोलूं? अनाउंसमेंट करवा दूं माइक पे? बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बीच में कितना गंदा लगेगा जो 10 रुपए लेते हैं। किसी के दो सॉन्ग भी है, इनके पैर तभी थिरकते जब इंग्लिश गाने आते हैं, हिंदी में पैर आते ही नहीं है। और रात के एक बजते देख और आइसक्रीम केक को पिघलते देख अक्षय ने माइक संभाला और कुछ इस तरीके से गाने में जुगलबंदी की। और इस तरीके से ये यम्मी आइसक्रीम केक कटा, सब में बटा एंड वी हैड एन आउटस्टैंडिंग इवनिंग। एज आई टोल्ड अर्लियर, ब्रिंगिंग बर्थडे जनरली एक या दो घंटे में ख़त्म होता है। रात को 11 बजे शुरू होता है, 12 बजे रात को केक काटते हैं, बाकी बाद में लोग केक काट के घर चले जाते हैं। बट दिस ब्रिंगिंग पार्टी स्टार्टेड एट 1 इन द आफ्टरनून विद वन बैंड फॉलोड बाय अनदर बैंड एट 6 PM एंड वेंट ऑन टिल 1 AM And what a night! All thanks to Surveen and Akshay. Wishing Surveen a very happy birthday. Music is on, party is still on, लेकिन घर जाने का time हो गया है, because आज के vlog में सिवाय music के कुछ नहीं है, and I'm sure, because जितने भी Rubina fans, Surveen fans, Sharad fans, Kirti fans, सबके fans यहाँ पे हैं, they all will love this vlog because this vlog is nothing but a musical journey. मैं सब कुछ तो शूट नहीं कर पाया, पर जितना भी है आई एम श्योर यू विल लव। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज राहुल लोहानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।